हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कला यात्रा। मेरा नाम है ब्रिजेश और अभी हम हैं रामेश्वरम में। तो अभी हमने अपना लंच वंच किया है और अभी यहां से हम जा रहे हैं धनुषकोड़ी। हाँ, मेरे को शिवखोड़ी नाम याद आ रहा था, धनुषकोड़ी। तो अभी हम धनुषकोड़ी जा रहे हैं। नमस्कार। नाश्ता पानी हो गया सब? अभी वो धनुषकोड़ी जा रहे थे। जा के आया है क्या? अभी जा रहे हैं। 5 बजे बंद हो जाएगा। माने 5 बजे सब अंदर मना कर देगा। अच्छा, जो उसको 5 बजे जो अंदर निकलेगा उसको जो बाहर निकल देगा पूरा। तो ये चट्टा बता रहे है कि अभी धनुषकोड़ी का जो टाइमिंग है वो 5 बजे तक ही होता है और अभी हमारा 3:30-4 यही हो चुका है। अब देखते हैं अपन पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। हे गाइस, तो अपन लोग धनुषकोड़ी पहुंच गए यार। और भाई साहब, यहां तक पहुंचने में ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ है ना, क्या ही बताऊं मैं। बहुत ही भयंकर हो गया यार, रेत इतनी तेज उड़ के लग रही है ना। एक तो मैंने हाफ पैंट पहन रखा है, ऐसे खतरनाक, ऐसे एकदम बिजली जैसा करंट लग रहा होगा बॉडी में, ऐसा फील हो रहा था। और बहुत तेज़ हवा है, पूरी बाइक ऐसे ऐसे हवा में हो जा रही है। और इधर पूरा समंदर दिख रहा है यार, गजब का है। अभी हम धनुषकोड़ी के लास्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इंडिया का लास्ट लैंड वही है, उसके बाद फिर श्रीलंका है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। हम लोग अभी खड़े हैं इंडिया के लास्ट लैंड, मतलब लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और यहाँ पे छींटे आ रहे हैं। यहाँ पे इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल दोनों मिलते हैं, मतलब ये संगम पॉइंट है। और मतलब आप क्लियरली दोनों समुद्र में डिफरेंस देख सकते हो। एक साइड बहुत लहरें आ रही हैं और पानी का कलर पूरा डिफरेंट है, और दूसरे साइड का पानी एकदम शांत है और उसका कलर एकदम अलग है। तो दोनों समुद्र को आप एकदम बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये अलग है और वो अलग है। हाँ साहब, यहाँ तक पहुँचने में जो रेत लगी है ना शरीर में, ऐसा खतरनाक ही लगी है। तो अभी अपन लोग आगे इधर जा रहे हैं और यहाँ पूरा ऐसे पत्थर लगे हुए हैं। अरे आराम से है, और पूरा ऐसे पानी के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं यार। अभी अपन इस साइड थे जिधर बहुत ज़्यादा लहरें थी, खतरनाक ही हो रहा था, और हम अभी इधर शांत वाले एरिया में आ गए। इधर जा रहे, देखो अभी हमारे पीछे देखे इधर में जो दिख रहा है एकदम शांत सा है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। पूरा कैमरा इंसान सबको हिला दे रहा है। यहाँ आके बड़ा अलग सा फील हुआ ना, मतलब कि मतलब सोचो इंडिया के सबसे ऐसी जगह पे हम खड़े हैं। और सोचो राम भगवान ने यहाँ से पुल बनाया था। यहीं आगे धनुषकोड़ी में एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन और चर्च बोलते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे हॉन्टेड वगैरह कुछ नहीं है। ये था कि एक बार सुनामी आई थी, तो उस टाइम पे वो पूरा रेलवे स्टेशन और चर्च सब कुछ मतलब उसमें डूब गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद से उसे फिर दोबारा नहीं बनाया गया, तो वही उसके जो भी बचे हुए पार्ट्स वगैरह हैं तो उसको लोग देखते हैं और उसे हॉन्टेड चर्च या रेलवे स्टेशन बोल देते हैं। तो इससे आगे हम वही देखने चलेंगे। एक्चुअली वो आते वक्त रास्ते में ही था, लेकिन हम पहले यहाँ आए हैं, अब वापस जाते वक्त उसे देखेंगे। यहाँ का समुंदर देखो कितना शांत है, बिल्कुल अलग, और पानी बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट।
यहाँ पास में जाके मछलियाँ भी दिख रही है। हाँ ऐसे काफी झुंड में ऐसे दिख रही थी यार, इतना ट्रांसपेरेंट ऐसे बहुत सारी दिख रही थी मजेदार। और मेरे को यहाँ तीन चार ऐसे केकड़े दिखे ना, कलरफुल कलरफुल, बड़े प्यारे लग रहे थे। तो अभी अपन यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्या बात है, मौज आ गई मौज। और यहाँ पे अब धीरे धीरे सारी चीज लोग जाने लग गए हैं, वैसे काफ़ी भीड़ कम हो गई, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, पूरा गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी पड़ी थी। और हमारी बाइक रही वो सामने, पहुंच गए हैं हॉन्टेड चर्च के पास। हॉन्टेड चर्च, क्या बात है, भूतिया चर्च। सड़क पे तो रेत आके ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में होंगे। क्या बात है, पूरा एकदम मस्त हवा लग रही है यार, बहुत ही बढ़िया हवा लग रही है। पूरा दूर दूर तक सब कुछ बे ऐसे टूटा फूटा, देखो सारा बह गया ऐसा लग रहा है। कैसा फील हो रहा है यार। मजेदार लग रहा है, मतलब भूतिया नहीं लग रहा है, इंटरेस्टिंग ज्यादा लग रहा है। और रेत देख के तो एकदम राजस्थान लग रहा है। सबसे खूबसूरत यहाँ का सनसेट होने वाला है ऐसे एकदम, अब कलर चेंज हो रहा है ना, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और समंदर की आवाज ऐसे मस्त आवाज आ रही है, और हमारी बॉडी पे पूरी रेत चिपक, अरे पूरा शरीर जल रहा है ऐसा हो रहा है, एकदम भयंकर ही हालत है। बस अब मन हो रहा है सीधे जाके घर जाके नहाए। ये है वो चर्च जो टूट चुका है, अभी भी यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं। देखो ये छोटा छोटा घर झोपड़ी बना रखे हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं, और शॉप भी है छोटे छोटे। बताओ कैसा लग रहा है, और ये है फ्रंट से चर्च दिख रहा है देखो। तो आज का ट्रिप हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा है, और अभी अपन यहाँ से वापस जा रहे हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।